हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स हम इस वीडियो में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स जो भी लोग आरपीएफ और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य सेनापति कौन होता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका आंसर आप सोच लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, बृहस्पति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य में भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाले लिट्टी में कौन सा मुख्य पदार्थ भरा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा दोस्तों ऑप्शन डी, सत्तू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण किस परिघटना के माध्यम से होता है? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा दोस्तों ऑप्शन ए, सूर्य प्रकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट खेल के अतिरिक्त और किस खेल में स्ट्राइकर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरम। आपको पता ही होगा जो कैरम बोर्ड होता है दोस्तों, उसमें स्ट्राइकर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इस्लामिक राज्य के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, मतलब दोस्तों जो इस्लामिक है वो किस राज्य के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ रहे हैं? ठीक है, आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस स्थान का नाम आक्रामक वर्षों के स्थानीय नाम पर रखा गया? इसका आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, सुंदरवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बस इतना कहूंगा कि आप हरेक कंट्री का पीएम और ऑल स्टेट्स के सीएम को पक्का याद कर लें दोस्तों। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, रघुवर दास। ठीक है दोस्तों, जो ये रघुवर दास हैं झारखंड के मुख्यमंत्री दोस्तों हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आप लाल किले में हैं तो आप किस शहर में हैं? वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो लाल किला है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा अरब सागर का बंदरगाह शहर नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा दोस्तों ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। जो भी आप फ्रेंड्स देख रहे हैं, पणजी मंगोलिया कंबोडिया, ये जो भी आप देख रहे हैं ये अरब सागर के बंदरगाह दोस्तों, जो विशाखापट्टनम है ये अरब सागर में नहीं आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एशियाई देश भू बूंद देश नहीं है? इसका आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, कंबोडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्ष 1881 में भारत में शुरू की गई पहली पहाड़ी यात्री रेल यात्री कौन थी? इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ठीक है दोस्तों, जो कि 1881 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड किसका प्रतीक, सॉरी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड किसका प्रतीक है? इसका आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड किसका प्रतीक होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस देवता के साथ रासलीला नृत्य जुड़ा हुआ है? आपको पता है दोस्तों जो रासलीला है ये राजस्थान का नृत्य है। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री कृष्ण के साथ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय ऑनलाइन रिटेल कंपनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ठीक है, हालांकि इसका क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए दोस्तों आप, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय ऑनलाइन रिटेल कंपनी है? इसका आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, जेबांग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस मिष्ठान के निर्माण में शीतकालीन तरबूज या तुम्बा कोहड़ा को चीनी की चाशनी में तर बतर किया जाता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, पेठा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा अनिवार्य घटक है?
इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत एवं ब्लैंक के मध्य सर्किल के विवादित भूभाग है दोस्तों, आपको बताना है कि भारत और किस देश के मध्य में सर्किल एक विवादित भूभाग है। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से क्या शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अनिवार्य है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए। ज्योतिष विज्ञान में किसके कितने भिन्न भिन्न प्रकार के राशि चिन्ह हैं, इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 12। ठीक है, हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2014 का हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। वर्ष 2014 का नोबल शांति पुरस्कार किसे दिया गया, इसका आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन ए कैलाश सत्यार्थी को। दोस्तों हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। वर्ष 2014 का नोबल शांति पुरस्कार किसे दिया गया, इसका आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी एवं मलाला बुजाई को। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।